नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीरज और आप देख रहे हो टैली मैथोरीज। आज का लेक्चर हमारा है कि जो पैसा हमें एडवांस रिसीव होता है तो उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं इन टैली में, और जो पैसा आया है अगर उसकी सेल इनवॉइस, जो उसका इनवॉइस बन रहा है उसी मंथ बनता है तो क्या एडजस्टमेंट होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हमें GST एक्टिवेट करना पड़ेगा। GST को एक्टिवेट करने के लिए F11 और उसके बाद स्टेटरी एंड टैक्सेस एंड डिटेल को F3, यहाँ से आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को यस करना है यहाँ पर, और सेट अल्टर GST डिटेल को भी आपको यहाँ पर यस करना है। ओके, अगर आपका बिजनेस दिल्ली में है तो आप दिल्ली लीजिए, या जिस स्टेट में आपका बिजनेस हो वहाँ का स्टेट आप चॉइस करके एंटर मार के नीचे आ जाइए। और GST IN नंबर और UI नंबर मैं अपने GST R लेक्चर GST R1 में ये चीज़ डिटेल में समझाया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे 2 डिजिट हमारे स्टेट के होते हैं, जिस स्टेट में हमारा बिजनेस है। उसके बाद हमारा पैन नंबर होता है जिस 10 डिजिट का। फिर उसके बाद हमारी जो बिजनेस एंटिटी है कि उस स्टेट में हमारा कितना है बिजनेस चल रहा है, जैसे हमारा बिजनेस दिल्ली में एक ही बिजनेस तो 1 डालना है, ठीक है। उसके बाद Z, ये ब्लैंक दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद अपना 1 और यहाँ पे सिंपली आपको सब कुछ सेव कर देना है, यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना आपको। और यहाँ पर आपको कंपनी सेव कर देनी है। अब क्या करते हैं कि किसी पार्टी से हमें अमाउंट एडवांस रिसीव हुआ है, तो हम रिसीव वाउचर में जाएंगे। रिसीव वाउचर में जाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर के लिए भी और इसी वाउचर के लिए F6। अगर हम किसी पार्टी का बिल ऐसे बना देते हैं कि बिल आएगा एडवांस, किसी पार्टी का बिल एडवांस आया, मतलब अमाउंट रिसीव कर लिया हमने एडवांस, और जो बिल में बताता टाइप ऑफ रेफरेंस कि अगेंस्ट है, न्यू है और एडवांस है, वहाँ पे GST कैलकुलेट नहीं कर पाया कि वो एडवांस रिसीप है, वहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा GST। अगर हमें एडवांस रिसीप हुआ है तो हमें दिखाना है कि GST में एडवांस रिसीप हुआ है, तो हमें इसी वाउचर पे, रिसीप वाउचर पे हमें यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो राइट पैनल में, राइट हैंड साइड पैनल में एडवांस रिसीप्ट, तो वहाँ पे सिंपली आपको प्रेस करना Alt+B। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हो एडवांस रिसीप्ट, ठीक है, ये कंपलसरी आना, अगर नहीं आए तो आपको लाना पड़ेगा। यहाँ पे हम किसी पार्टी से रिसीव कर लेते हैं, जैसे मिस्टर रामलाल है, ये हमारा संडी डेटर है क्योंकि इससे पैसा आ रहा है। बिल वायबिलिटी को यस ही रखना है। और जिस स्टेट का ये पार्टी है उस स्टेट का डालना है, और उसके बाद यहाँ पर GST की डिटेल देनी है यस करके। रेगुलर है, कंपोजिटर है या अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, जो भी आपको देना हो दे सकते हो। दिल्ली का है तो दिल्ली का कोड है 07, पैन नंबर दीजिए 10 डिजिट का, और फिर उसके बाद बिजनेस एंटिटी जो आपको देना हो। ये हमने कर दिया सेव। अब यहाँ पे पूछ रहा हमसे स्टॉक आइटम, लेजर एंड अमाउंट टैक्स जो भी वगैरह वगैरह यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोई आइटम के बदले में कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं एडवांस, तो हमें यहाँ पे गुड्स का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हमने गुड्स का नाम लिख दिया, सबसे पहले हमें एक काम कर लेते हैं, अपने वाउचर की डेट चेंज कर देते हैं। तो हमारा GST अप्लाई हुआ था 1 जुलाई से, तो हम 1 जुलाई कर लिए हैं। उसके बाद मिस्टर रामलाल, यहाँ पर हम स्टॉक आइटम बनाते हैं Alt+C कर, जो भी नई चीज़ बनानी है उसके लिए Alt+C। अब जैसे हम माउस बना रहे हैं, माउस बना लिए यूनिट में पर पीसेस, हमने पीस दे दिए। यहाँ पर GST एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पे सेट अल्टर सर्विस GST डिटेल को भी यस करना है आपको, और डिस्क्रिप्शन में उस आइटम की डिटेल और HSN नंबर कंपलसरी है देना, 8 डिजिट या 6 डिजिट का जितना भी होता वो डाल दीजिए आप। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप हमारी ऑन वैल्यू, और टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल। और यहाँ पे सिंपली आपको इंटीग्रेटेड टैक्स पे आपको यहाँ पर क्या देना है, 18% जो आपके आइटम पे लगता है। जैसे ही आप एंटर मारोगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अपने आप ही कट के आ जाएगा। और इसको कर देना सेव। यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई हमारी गुड्स की है।
सुखदिया से। जैसे ही हमने एंटर मारा तो यहाँ पे देख सकते हो आप सिंपली सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हमारा अपने आप ही कट चुका है, ठीक है। अमाउंट इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, ये मैं अपने पहले जैसा कि मैंने बताया जीएसटी R1 लेक्चर में हम बता चुके हैं कि इंक्लूडिंग अमाउंट क्या होता है और एक्सक्लूडिंग अमाउंट क्या होता है, तो यहाँ पे हम बताएंगे नहीं। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पर जैसे हमने अमाउंट ले लिया, अमाउंट रिसीव हो गया हमें 5,000 रुपये, हमें एडवांस रिसीव हो गया, ओके। तो ये अपने आप ही कैलकुलेट करके दे देगा, यहाँ पर सिंपली देख सकते हो यहाँ पर उसने अपने आप ही अमाउंट कैलकुलेट कर लिया टैक्स के साथ, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर माउस में आइटम टैक्स रेट सेट कर रखा था, ओके। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको एडवांस लेना है, ओके। यहाँ पे आप बिल नंबर डाल दीजिए जो भी आपका बिल नंबर हो, ओके। ये हमने कर दिया सेव, जैसे हमने कैश रिसीव किया है, ओके, 5,000 कैश रिसीव हो गया, ये कैश रिसीव हो गया। अब इसका इफेक्ट देखते हैं हम क्या कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो सबसे चलते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट के लिए सिंपली प्रेस करें बी, ओके। उसके बाद डिटेल चेक करें तो यहाँ सिंपली देख सकते हैं हमारी टैक्स लायबिलिटी अभी आई हुई नहीं है, ठीक है, ब्लैंक पड़ी है टैक्स लायबिलिटी और डायरेक्टर यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सप्लाई नहीं किया। उसके बाद हम चलते हैं अपनी जीएसटी की रिपोर्ट पे, डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट जीएसटी GST R1, ओके। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस काउंट हमारा हो गया है 5,000 के, हमने क्या किया था अमाउंट रिसीव किया था एडवांस, सेंट्रल टैक्स हमारा कट चुका है, स्टेट टैक्स कट चुका है। आप सोचोगे कि इंटीग्रेट टैक्स क्यों नहीं कटा, ये इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि ये अदर स्टेट पे कटता है, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस चल रहा सेम स्टेट पे, तो इसलिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कटा हुआ है। टोटल लायबिलिटी बनती है हमारी 900 रुपया, तो 900 रुपया हमें दिखना चाहिए, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिंपली अब करके अब हम करते हैं इनवॉइस बनाते हैं सेल्स का, जो हमने अगेंस्ट में उससे 2 तारीख को हमने चेंज कर दी डेट। इनवॉइस नंबर डाल दीजिए आप जो भी इनवॉइस नंबर हो, ओके, हम इनवॉइस नंबर डाल के चलेंगे पूरी डिटेल, ओके, ये इनवॉइस नंबर है। और यहाँ से हम आप पार्टी के नेम मिस्टर आमर जिससे हमसे पैसा आया था एडवांस, ओके। यहाँ पे बिल आपको सेव करना है, डिटेल जो डालनी हो डाल दीजिए आप सिंपली। यहाँ पे सेल लेजर पूछ रहा है, यहाँ पे सेल लेजर दे दीजिए बना के, ओके। यहाँ पे इस GST एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल करना है और इसको नो ही रहने देना है, ओके। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मल्टीपल टैक्स रेट में, ओके। यहाँ से आप टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स की, क्योंकि आप जो सप्लाई है गुड्स की है, ओके। यहाँ पर ये भी मैं आपको GST R1 में बता चुका हूँ, तो आपको ये अच्छे से जानना हो तो GST 1 आपको मेरी वीडियो देखिए, उसमें एक एक चीज़ बताई हुई है, ओके। तो यहाँ पर हमें ले लिया है सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि जो हम सेल्स कर रहे हैं वो टैक्सेबल है, ना कि वो नील है ना एग्जाम्ड है, हमारी सेल्स टैक्सेबल है, ओके। अब हमने क्या किसके बदले में एडवांस रिसीव किया था, माउस के बदले में, तो यहाँ सिंपली आप माउस लीजिए, ओके, माउस ले लीजिए। जैसे हमने 20 ले लिए और 20 माउस ले लिए जो पड़ गया हमारे पास 200 रुपये के, ये अमाउंट थोड़ा कम आ रहा है, हमने एडवांस ज़्यादा किया था, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, ये क्या हमने 40 कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अमाउंट हमने 40 कर लिए है। अब इस पर कौन से टैक्स लगेंगे, इस पर लगेंगे सेंट्रल टैक्स जीएसटी, ओके। यहाँ पे आप रेट भी दे सकते हो, रेट दोगे तो आपको कैटेगरी पे पता चल जाएगी कि कितने रेट की कैटेगरी का ये आइटम है, ओके। तो यहाँ सिंपली आप जीएसटी चॉइस करोगे और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे सिंपली 9% और नॉर्मल राउंडिंग करके 1, अगर 1 नहीं समझ आ रहा मैंने आपको पहले बताया हुआ, आप मेरी पहली पिछली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल टैक्स कट चुका है, ओके। यहाँ पे हमारा एक और रह गया है स्टेट टैक्स जीएसटी, कितना परसेंट, 9%, जैसा कि हमने पीछे दिखाया भी था, ड्यूटी एंड टैक्स लेना है यहाँ पर और जीएसटी चॉइस करना है, और यहाँ पर हमें स्टेट टैक्स लेना है, यहाँ पर 9% दे के चलना है आपको, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करके 1 सेव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कट चुका है, और अगर आपको पता करना है कि इस पर कितना रेट कटा है, ओके, तो यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो टैक्स एनालाइज करके Alt+A। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि जो माउस है उस पर 8,000 का बिल बना हुआ है,
ठीक है, जिस पर 99% हमारा टैक्स है। ओके तो हम कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना हमें, अगेंस्ट, क्योंकि इसी माउस के अगेंस्ट में हमें एडवांस पैसा मिला था, तो हमें अगेंस्ट रेफरेंस चॉइस करना है यहाँ पर। ठीक है, तो बिल हमारा कितना है, 5000 का एडवांस रिसीव हुआ था, तो यहाँ पर हमें 5000 ही डालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें एडवांस रिसीव हुआ था 5000 हुआ था। ओके तो हम 5 करेंगे और जो बाकी का अमाउंट बचा हुआ न्यू रेफरेंस मिलेंगे। ठीक है, जो ये बिल नंबर है ये बिल नंबर सेम रहने देना। ओके, जो इस इनवॉइस का है और उसको कर देना सेव। अगर अब हम अपनी बैलेंस शीट में चेक करें कि टैक्स लाइबिलिटी अब कितनी बनती है, तो सिंपली आप वी प्रेस करें और डिटेल में चेक करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टैक्स और लाइबिलिटी कितनी बन गई, 1440 रुपया। ओके, और जो डेटर है देखो हमारे 4440 के बन गए। ओके, अब हम चलते हैं जीएसटी की अपनी डिटेल पर, रिपोर्ट पर, डिस्प्ले और उसके लिए स्टेटेड रिपोर्ट के लिए और दबा दीजिए जीएसटी, जीएसटी R1। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो कि वो B2B इनवॉइस में सिलेक्ट कर लिया गया है। ओके, अगर ये B2B, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, लार्ज स्मॉल, कैट नॉट अगर नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरी पिछली वीडियो GST R1 लेक्चर देख सकते हो, उस पर ये पूरी डिटेल समझाया गया कि किस वाउचर पे कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब करें, क्योंकि GST के ऊपर हम रोज़ पर रोज़ नई नई वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप भी फ्री में ये सब सीख सको। तो चलते हैं, थैंक यू।